उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगामी 25 दिसंबर को सर्किट हाउस में आगमन हुआ तथा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्राणी उद्यान वाटर स्पोर्ट्स का निरीक्षण करने के उपरांत सर्किट हाउस में बैठक की। बाद में मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री योगी अपने 2 दिन के दौरे के दौरान रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि प्राणी उद्यान और प्रेक्षागृह का काम जल्द ही पूरा होगा। इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 27 जून तक प्राणी उद्यान का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और ज्ञानवर्धन चीजें बच्चों के लिए, यहाँ पर आने वाले सभी नागरिकों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे और प्रयास है कि जून 2019 में इस प्राणी उद्यान को हम लोग गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रंगकर्मियों के लिए, साथ ही यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर के, ज्वलंत विषयों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के सेमिनार के आयोजन हो सकें, कार्यशालाएं हो सकें, इसके लिए यहाँ पर प्रेक्षागृह की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। हम लोगों ने उसको स्वीकृत कर दिया है। उससे जुड़ा हुआ थोड़ा एक मामला था जिसको थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्यदायी संस्था को इस कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लगभग 1100 सीटेड एक बड़ा ऑडिटोरियम है, 250 सीटेड सीट का एक है, एक मीडिया का रूम वहाँ दिया जा रहा है, मीडिया सेंटर वहाँ पर है और भी वहाँ पर रंगकर्मियों के लिए एक एम्फीथिएटर आदि की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि प्रेक्षागृह का निर्माण होने के साथ ही यहाँ के रंगकर्मियों के लिए और विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कार्यशालाओं के। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।